आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। आम चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के लिए सभी बाधाएं तोड़ देगी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले एनडीए की फिर होगी वापसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अब कमजोर नहीं, सीमा पार भी घुसकर मार सकता है। भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है। केरल में भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में गई एक क्रू मेंबर की जान, नौसेना प्रमुख और सीडीएस ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर इंग्लेट किया पेश। जमानत पर रिहा टेरर आरोपियों के करेगा मॉनिटरिंग। श्रीनगर के मुस्लिम कुम्हारों से के बनाए दियो से रोशन होगी दिवाली। सांप्रदायिक सद्भाव को भी मिल रही रोशनी। घाटी में हिंदू आबादी बहुत कम है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी को मिले धमकी भरे 5 ईमेल, मचा हड़कंप। मुंबई पुलिस ने दबोचे 2 आरोपी। गुजरात के आरोपी ने मांगी थी फिरौती। मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया, आत्मकथा पर हुए विवाद पर बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। उनकी आत्मकथा लोगों को प्रेरित करने का एक प्रयास है। खालिस्तानी आतंकी गुरपरवंत पन्नू की भारत को धमकी। एयर इंडिया की फ्लाइट में सिख ना हो सवार। पन्नू ने उस दिन को सिखों की जान को खतरा बताया। ऐसा माहौल बनाएंगे कि कोई भी आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों या आम नागरिकों की हत्या की अनुमति नहीं देंगे। डीजीपी आरआर स्वैन की चेतावनी, पाकिस्तानी आकाओं की मदद को नहीं होगा कोई तैयार। एक्शन मोड में सीएम के चंद्रशेखर राव। दिवाली के बाद करेंगे धुआंधार प्रचार, रैलियों का लगेगा अर्धशतक। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन न जारी करने पर केंद्र सरकार को फटकार। हाईकोर्ट ने लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। पेंशन जारी करने में निष्क्रियता स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा किसी भी अदालत के फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती। विधायिका फैसले में खामी दूर करने के लिए कानून बनाने का विधायिका को अधिकार है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अनुराग ठाकुर ने ईडी की कार्रवाई को ठहराया सही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देना होगा जवाब। बढ़ते वायु प्रदूषण को थामने के लिए हवा में मारा जा रहा तीर। दिल्ली में हर 1 किलोमीटर पर सेंसर की जरूरत, लेकिन फिलहाल दिल्ली में महज 40 सेंसर हैं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ का मुस्लिमों से है वोटों का रिश्ता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना। मुस्लिमों की स्थितियों में हुआ सुधार। अलीगढ़ में डॉक्टर रहे नदारद, बच्चे की गई जान। कंपाउंडर की दवाई से बच्चे की मौत, हैवी डोज बनी मौत की वजह। गाजियाबाद में बेटी काम से लेट आई तो पिता को आया गुस्सा। पिता ने दुकान के मालिक पर किया हमला। वारदात के एक दिन बाद आरोपी पिता गिरफ्तार। हरदोई में धन परिवर्तन नहीं करने पर महिला की जमकर पिटाई। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, फर्श पर लिटाकर किया मरीज का इलाज। वीडियो वायरल, प्रशासन में हड़कंप। पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ी घोषणा। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ।
अलीगढ़ में नगर निगम के कारण परेशान हुए लोग, लोगों ने घरों के बाहर लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर। सीवर लाइन चौक होने के चलते मकानों में पड़ी दरारें। बहराइच में दहशत के साए में दिखे नेपाल के भूकंप पीड़ित, ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। नेपाल में रुकुम जिले के भूकंप ने मचाई तबाही। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिले एम्बुलेंस। पीड़ित परिजनों ने कई बार एम्बुलेंस को फोन तक किया। कन्नौज में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत, चार दिन से चल रहा था महिला का इलाज, महिला की मौत होने पर परिजनों ने काटा हंगामा। कानपुर देहात में ढाबे पर युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप, ढाबे पर खाने का भुगतान करने को लेकर विवाद, विवाद के दौरान आरोपी पुष्पेंद्र सिंह ने मारी गोली। कुशीनगर में सांसद रवि किशन ने विजय दुबे से किया दो हाथ, विराट दंगल कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर सांसद, सांसद विजय दुबे ने खेली कुश्ती। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में मारी जोरदार टक्कर, बाइक पर सवार युवक समेत महिला हुई घायल। लखनऊ में आजम खान को कोर्ट में पेश नहीं करने का मामला, कोर्ट में पेश नहीं करने पर एमपीएमएलए कोर्ट नाराज, एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज ने कार्यवाहक डीजीपी को लिखा पत्र। लखनऊ में पहली बार बनेगा अनोखा पार्क, वास्तु शास्त्र के आधार पर किया जाएगा डिजाइन, पार्क में नक्षत्र और पंचवाटिका तैयार की जाएगी। लखनऊ में एलडीए ने व्यावसायिक निर्माण को किया सील, गोमती नगर विस्तार के व्यावसायिक निर्माण पर हुई कार्रवाई, एलडीए की प्रवर्तन जोन एक की टीम ने किया सील। लखनऊ में तेज रफ्तार कार 20 सड़क पर पलटी, नशे में धुत युवक चला रहे थे तेज रफ्तार में कार, कार पलटने से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। लखनऊ में हरौनी चौकी इंचार्ज राहुल त्रिपाठी रिश्वत लेते पकड़े गए, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा बंतरा थाना क्षेत्र के हरौनी चौकी इंचार्ज है राहुल त्रिपाठी। लखनऊ में टप्पेबाजों का बोलबाला, सराफा व्यापारी को टप्पेबाजों ने बनाया निशाना, सराफा व्यापारी के बाद बुजुर्ग के साथ भी की टप्पेबाजी। हमीरपुर में पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल के दो बेटों के लाइसेंस निरस्त, अशोक चंदेल के दो बेटों के चार शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त, दो रिवॉल्वर और दो राइफल्स के लाइसेंस भी हुए निरस्त। भदोई में पूर्व विधायक को सुनाई गई 15 साल की सजा, पूर्व विधायक विजय मिश्रा को रेप कांड मामले पर हुई सजा, विनय मिश्रा को 15 साल की सजा के साथ 1,00,000 का लगा जुर्माना। राजधानी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, लखनऊ में 34 नए डेंगू मरीजों की हुई पुष्टि, पिछले 15 दिनों में डेंगू के 500 से ज्यादा मरीज मिले। आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद कार पूरी तरह चिपकी, मां बेटी समेत चार लोगों की मौत। धुआं, धूल और धुंध से खराब हुई बरेली की हवा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक। फतेहपुर में दिनदहाड़े नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म, 8 घंटे तक दरिंदगी के बाद बदहवास हालत में छोड़ा। नोएडा की मनीषा की थी सूटकेस में जलती मिली लाश, सहेली की तत्परता से खुला राज, आरोपी पकड़ से बाहर। किशोरी का धर्मांतरण कराना चाहता था जोहित, मृतका की मां से बोला था निकाह कर दो या बदनामी झेलो।
गंगा में डूबे दो युवक तलाश में जुटी एसडीआरएफ अधूरे पीपा पुल से नदी में कूदे थे। साइबर अपराधी नहीं समझ सका पुलिस की चाल, युवती समझकर चक्कर में फंसा, अब पता चला तो होश उड़ गए लोगों से हड़पता था पैसा। सांसद वरुण गांधी बोले, मुझे राजनीतिक नुकसान की परवाह नहीं, जनता की आवाज हमेशा उठाता था और उठाता रहूंगा। हमराही परिवार के मेधावी बच्चों की ऊंची उड़ान के लिए छात्रवृत्ति योजना चेक मिलते ही चमके चेहरे। देहरादून में 5 दिन का दरबार लगाएंगे धीरेंद्र शास्त्री, बोले यहाँ के पागलों का पिएंगे दम, भक्तों में दिखा खासा उत्साह। उत्तराखंड में बड़ा खुलासा, प्रदेश के 30 मदरसों में पढ़ रहे 749 गैर मुस्लिम बच्चे, आयोग को भेजी गई रिपोर्ट। यूसीसी की रिपोर्ट जल्द, देहरादून स्थित दफ्तर का सामान समेटने की तैयारी, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह ने गृह विभाग को लिखा पत्र। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में केदारनाथ धाम शिखर पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को पहला स्थान, ऊखी मठ प्लास्टिक रेगुलेटेड जोन घोषित। देर रात तोताघाटी के पास हुआ सड़क हादसा, वाहन खाई में गिरने से एक की मौत, चालक घायल। श्रद्धालुओं ने लगाए श्री राम के जयकारे, आखिरी 3 अर्जी सुनने के बाद दरबार समाप्ति की घोषणा, श्रद्धालुओं के अर्जी लगाने का सिलसिला जारी रहा। वंदना कटारिया ने फिर रचा इतिहास, 300वां अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। डॉक्टर की कमी से जूझ रहा पहाड़, सृजित 500 पदों में से 320 खाली, डॉक्टर को बाहर की दवा लिखने पर निलंबित किया गया था। तीन शहरों में हो रही AQI की रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रदूषण से बचने को नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक, ध्वनि प्रदूषण की जांच की जाएगी। महिलाओं को मंदिर में पूजा करने से रोकने पर बवाल, अभद्रता का लगाया आरोप, पुजारी को मांगनी पड़ी माफी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने कोर्ट से जुटाई विरमानी समेत कई के खिलाफ चार्जशीट, संपत्तियों की जांच में जुटी ईडी। घर के काम में लगी थी मां, ट्रॉफी समझकर गेहूं में रखने वाली गोली खा गया बच्चा, इलाज के दौरान मौत। हवाई अड्डों और हेलीपैड की सुरक्षा के लिए बनी रणनीति, HF संचार से जुड़ेगा सशस्त्र धारा, मोबाइल AT से शुरू करने की जरूरत। प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के 5 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 5.26 मेगावाट क्षमता बिजली बनेगी प्रदेश में, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना चलाई गई है। याची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को जाम से मिलेगी निजात, बाईपास पर बनेगी 325 मीटर लंबी सुरंग, रामगढ़ से क्वाबर तक बनेगी 2-लेन रोड। जर्मनी के हैमबर्ग एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, हथियारबंद शख्स ने की फायरिंग, 27 उड़ाने हुई प्रभावित। अफगानियों को पाकिस्तान से निकाले जाने पर तालिबानी मिनिस्टर ने दी धमकी, कहा सरकार वही काम करे जिसको बाद में बर्दाश्त कर सके। तालिबानी सरकार के पाकिस्तान के रवैये से नाराज है।
सुबह सुबह नेपाल से अफगानिस्तान तक हिली धरती 36 घंटे के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। भूकंप की वजह से संपत्ति का भारी नुकसान भी हुआ। इसराइल हमास जंग के 30 दिन बीते, गाजा पट्टी में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत, हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगी इसराइली जंग। दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ काम, दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ा कैनेडाई हेलीकॉप्टर तो भड़का ड्रैगन, रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने चीन पर लगाया आरोप। कैलिफोर्निया में झील की सफाई के दौरान सूटकेस में मिला शव, सफाई कर्मियों के उड़े होश, पुलिस कर रही मामले की जांच। इमरान खान के करीबी रह चुके हैं पीटीआई के पूर्व नेता फवाद चौधरी, गिरफ्तार, पत्नी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीडीसी एयरबेस में घुसे आतंकियों ने की फायरिंग, फाइटर प्लेन्स में लगाई आग, आतंकियों ने उठाया अंधेरे का फायदा। इसराइल हमास युद्ध अगर लेबनान तक फैला तो भयंकर तबाही आएगी, अमेरिका ने हिजबुल्ला को दी चेतावनी, शब्दों के युद्ध में नहीं पड़ेगा अमेरिका। हमारे सहयोगी अमेरिका का यूएसएसआर जैसा कर देंगे हाल, हमास के कमांडर ने बाइडेन के देश को तोड़ने की धमकी दी। कर्मचारियों पर हुआ मालिक मेहरबान, दिवाली से पहले गिफ्ट में दी थी कार, गिफ्ट पाकर खुश हुए कर्मचारी। अब नहीं रुलाएगी प्याज की महंगाई, दिल्ली एनसीआर के लोगों को महज 25 रुपए किलो के भाव पर बेचेगी सरकार, त्योहार में महंगाई बढ़ने का खतरा। पीएम मोदी ने दिया दिवाली का तोहफा, 5 साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन, महामारी के बाद शुरू हुई थी। मनरेगा के लिए सरकार ने जारी किया 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड, गांवों में रोजगार को मिलेगी रफ्तार। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक, दिल्ली एनसीआर वालों को घर मिलने में होगी देरी, बिल्डरों की बढ़ी चिंता। जल्द खुल रहा है प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज का 490 करोड़ का ईपीओ, कंपनी के शेयर्स का अलॉटमेंट 13 नवंबर 2023 को होगा। आईपीओ को मिले फीके रिस्पांस के बाद को फाउंडर गजल ने कहा, हुनासा कंज्यूमर्स बाजार को जीतने में होगा कामयाब। सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का बड़ा फैसला, पूरे देश में कीमतें बढ़ने के कारणों का पता लगाया जाएगा। $30 बिलियन के वैल्यूएशन वाले आईपीएल में निवेश कर सकता है सऊदी अरब, $5 अरब के इन्वेस्टमेंट का दिया प्रस्ताव। विदेश मुद्रा भंडार में $2.57 बिलियन का इजाफा, $538.11 बिलियन पर जा पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व। शाहीन अफरीदी और मधुशंका को बचा, टॉप पर पहुंचे एडम जंपा, रचिन रविंद्र ने भी लगाई लंबी छलांग, जसप्रीत बुमराह 15 विकेट से 7 पांचवें नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने, डिफेंडिंग चैंपियन की वर्ल्ड कप से हुई विदाई, कंगारुओं की लगातार 5वीं जीत। पाकिस्तान टीम कुदरत का निजाम के कारण जीतने में कामयाब रही, पाकिस्तान की जीत के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़।
केन विलियमसन भी हुए फखर, जमान की ताबड़तोड़ पारी के मुरीद, बोले उसके लिए मैदान कम पड़ा था, उन्होंने बहुत ही शानदार खेला। प्रोटीन की भी कमी नहीं, जज्बे की भी नहीं, फखर जमान की तूफानी पारी के बाद पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन वायरल। फखर जमान और बारिश ने पार लगाई पाकिस्तान की नैया, न्यूजीलैंड को 21 रन से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा जिंदा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डीएल मेथड से हराया, फखर जमान की ऐतिहासिक पारी ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा। टूटे अंगूठे से केन विलियमसन ने पकड़ा इस वर्ल्ड कप का शानदार कैच, उल्टा भाग कर लगाई लंबी डाइव, न्यूजीलैंड ने की धुआंधार बल्लेबाजी। इंग्लैंड के सामने पूरे 50 ओवर नहीं खेल सके ऑस्ट्रेलिया, लाबुशेन के अर्धशतक के बाद जंपा ने बल्ले से किया कमाल। ये नंबर वन बॉलिंग अटैक नहीं बल्कि नंबर वन बॉलिंग अटैक है शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ का खूब बना मजाक। बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। किंग कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए नहीं है, वही अनुष्का 250 से 300 करोड़ की अकेली मालकिन है। विजय थलापति ने शेयर की लियो की सक्सेस मीट से अनदेखी तस्वीरें, एक्टर से मिलने पहुंचे थे 7000 फैंस। एक एक दर्शक के लिए तरस रही कंगना रनौत की तेजस, 9वें दिन भी फिल्म को नहीं मिली ऑडियंस। सिनेमा हॉल में दर्शकों के बीच पहुंचे राज कुंद्रा, थिएटर के अंदर मची भगदड़, सभी के सामने शिल्पा शेट्टी के पति ने जोड़े हाथ। दिवाली के लिए फराह खान के पास नहीं थे कपड़े, करण जौहर ने भेज दिया पूरा वार्डरोब, वीडियो शेयर कर बोली दोस्त हो तो ऐसा। ऐश्वर्या राय बच्चन के ट्रोलर्स को ऋचा चड्ढा ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा जलते हैं उनसे लोग, ऋचा ने मिर्जापुर को बताया हिंसा। बिग बॉस 17 से बाहर आते ही मनस्वी ममगई का फूटा गुस्सा, बोली अनुराग बड़ा गद्दार, वो आस्तीन का सांप निकला। मेकअप आर्टिस्ट बनी कटरीना कैफ, फीमेल फैन का मेकअप करती देखिए, डेनिम ब्लेजर और जीन्स पहने नजर आई। अपूर्वा के सीन शूट करते वक्त खूब रोई तारा सुतारिया, बोली बहुत ही तकलीफ दे मोमेंट होते थे, सड़क पर बैठ कर रोती थी। जानवी कपूर नायका लैंड में दिखी भारत का पहला ब्यूटी और लाइफस्टाइल फेस्टिवल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी नजर आए। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।